हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ग्रुप कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस ग्रुप कॉन्फ्रेंस में मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी MSW की फील्ड वर्क की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी। मैंने अपनी MSW की फील्ड वर्क की ट्रेनिंग टेक महिंद्रा फाउंडेशन से ली थी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छी जगह से जहाँ टेक महिंद्रा फाउंडेशन के पास आज ही एट प्रेजेंट 2 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं। दे हैव मोर देन 2 लाख बेनिफिशरीज राइट ना। और क्या है कि देयर मेन एरिया ऑफ वर्क इज एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे मेन एरिया पे काम करते हैं, मेन एरिया क्या जिस पर काम करते हो कि पहले एजुकेशन। नोएडा के कुछ विलेजेस में गया, वहाँ जाकर मैंने SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवाए, वुमेन्स को इकट्ठा किया ताकि वो सेल्फ खुद ही हेल्प अपनी कर सके। और फिर मैंने उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसको बैंक अकाउंट से भी जुड़वाया ताकि उनको फर्दर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। Hi friends, my name is Prashamsa and in today's conference I am going to share that in my MSW training in that is called Sandesh. Sandesh is basically the corporate social responsibility of Dabur India Limited as well. So in my training I went through some villages of Noida and there I developed a group of women which is called self-help group. So there that group which is called SHG, I had connected that group to a bank also. So this is my experience. Friends, आज की conference में मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी MSW की training विकास विश्रांति ट्रस्ट ग्रेटर नोएडा ने की है। विकास विश्रांति ट्रस्ट का फंड डोनेशन से आता है। यह एक एजुकेशन बेस्ड NGO है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू द सेशन ऑफ वीक टीम ग्रेटर नोएडा। इन द प्रीवियस सेशन आई टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट एंड आई टोल्ड यू दैट इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। नाउ आपने 3 वीडियोस देखी, राइट? दिस वॉज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल और यू कैन से द डेमो ऑफ द ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। सो आपने ये जो देखी ये एक तरीके का ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड वट ऑल वी हैव टू डू इन द ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, ये सब इसमें आपको हमने शो करा। आज के सेशन में बात करेंगे कि कैसे आपको ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है और क्या क्या उसकी मेन हेडिंग्स होती है। देख लेते हैं ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइज करी है आपने देखा ग्रुप्स में और इंडिविजुअल्स में होती है। अगर आप किसी एनजीओ या ट्रेनिंग में ग्रुप्स में जा रहे हैं, राइट, तो आप ग्रुप्स में अपनी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट करेंगे। और अगर आप अकेले हैं उस एनजीओ में तो आप अकेले। आप होता क्या है ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में, इग्नू के स्टडी सेंटर में आपको हॉल या ऑडिटोरियम में आपकी ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट होती है। अगर आप ग्रुप्स में हैं तो आप ग्रुप्स में जाएंगे स्टेज पर, आपके सामने ऑडियंस होगी और जो भी आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जैसे हमने अपने पहले के सेशंस में बात करी है कि आपको क्या क्या वहां पे ऑर्गेनाइज करना है, राइट? जैसे एक्टिविटीज आपने क्या ऑर्गेनाइज करी, कैंप्स आपने ऑर्गेनाइज करे, क्या क्या आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वोकेशनल ग्रुप्स विजिट करे, स्लम सेंटर्स विजिट करे, जो भी आपने काम किया, क्या आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वहां पे अपने ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग डेज, ये सब आपको एक्सप्लेन करना रहेगा ग्रुप्स में। लाइक एक बच्चा एक पार्ट एक्सप्लेन करेगा, द नेक्स्ट विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट, लाइक दिस। एंड इफ यू आर एन इंडिविजुअल और आपने अकेले किसी एनजीओ में ट्रेनिंग ली है तो यही सारी एक्सप्लेनेशन आपको अकेले देनी है, राइट? कि आपके एनजीओ का क्या मिशन था, क्या विजन था, किस ऑर्गेनाइजेशन पे, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिशमेंट किया गया है और क्या गोल्स हैं उसके, क्या आपने वहां पे जाके किया, किस तरीके से एक्टिविटीज कैंप्स आपने ऑर्गेनाइज करी, क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपने वहां पे लोगों के साथ शेयर किए, ये सारा आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे, राइट? इग्नू में BSW एंड MSW दोनों को ही ये जर्नल मेंटेन करना होता है तो आपकी हॉल या ऑडिटोरियम में ये ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट होती है। अब देख लेते हैं कि इसको आपको एज अ रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करना है, राइट? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे
Department of Social Works. अब कुछ मेन हेडिंग्स हैं जो आपकी आएंगी, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे, राइट? तो जो सबसे पहली हेडिंग आएगी आपकी ग्रुप, इसमें आप अपने ग्रुप का नाम मेंशन करेंगे या एनजीओ, जो भी आप एनजीओ में हैं उसका नाम आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा, राइट? सेकेंड थिंग आपकी आएगी डेट, जिस भी डेट पे आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कर रहे हैं वो डेट आपकी यहाँ पे आएगी, राइट? जो भी डेट आपकी ऑर्गेनाइज हो रही है ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट के लिए वो आएगी, जैसे कि ले लेते हैं 20/10/20, इसमें आपने ऑर्गेनाइज करी तो ये आपकी डेट रहेगी. नेक्स्ट डे, अब देखिए स्टडी सेंटर जो है आपका वो संडेज में ही आपका होता है, जो भी काम होता है स्टडी सेंटर में इग्नू में, तो आपका जो डे रहेगा वो संडे ही रहेगा ऑब्वियसली. ग्रुप डेट डे ये आपका था. अब आपका आएगा सेशन, कौन से सेशन में आपने किया. सेशन का मतलब है दो सेशन रहेंगे. इफ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बिफोर लंच देन इट विल बी अंडर द फर्स्ट सेशन. फर्स्ट सेशन यानी कि बिफोर लंच. और अगर आपका आफ्टर लंच है तो वो आएगा सेकेंड सेशन. राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज द फर्स्ट सेशन एंड व्हाट इज द सेकेंड सेशन. सिंपली अगर आपने बिफोर लंच अपना ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट ऑर्गेनाइज किया है वो फर्स्ट सेशन में काउंट होगा, आप फर्स्ट सेशन मेंशन करेंगे. और अगर आपका आफ्टर लंच ऑर्गेनाइज है तो आप सेकेंड सेशन मेंशन करेंगे, राइट? अब प्लेस, आपकी कौन सी प्लेस रहेगी, तो वो आपका रहेगा इग्नू का स्टडी सेंटर, राइट? तो जो भी आपका सेंटर है, नेम ऑफ द सेंटर, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट? फिर आपका आता है ग्रुप डेट डे सेशन प्लेस. नेक्स्ट आपका आएगा चेयर पर्सन, राइट? चेयर पर्सन कौन होता है? चेयर पर्सन आपके हर स्टडी सेंटर के एक इंचार्ज होते हैं, राइट? तो जो भी आपके स्टडी सेंटर का इंचार्ज है आप पता कीजिएगा अपने टीचर से कि मैम हु इज द इंचार्ज ऑफ द स्टडी सेंटर, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इंचार्ज. राइट? ये सिक्स हेडिंग्स है. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपकी कौन सी हेडिंग रहती है. इंचार्ज आप लोग प्लीज अपना पता कर लीजिएगा कि आपके स्टडी सेंटर का कौन इंचार्ज है, तो वो आप इजीली पता करके मेंशन कर सकते हैं कि आपका इंचार्ज कौन रहेगा. नेक्स्ट आएगा आपका असिस्टेंट. असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट चेयर पर्सन. असिस्टेंट चेयर पर्सन आपके कोई भी कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे, राइट? कोई भी आपका एनी कॉलेज प्रोफेसर. राइट? तो ये आपका आएगा नेक्स्ट हेडिंग, असिस्टेंट चेयर पर्सन. नेक्स्ट आपका आएगा रिसोर्स पर्सन. रिसोर्स पर्सन कौन होता है? रिसोर्स पर्सन आपके जो टीचर हैं, राइट? वो आपका रिसोर्स पर्सन कहलाएंगे. तो रिसोर्स पर्सन में नाम आएगा आपके टीचर का, ठीक है? तो आप अपने टीचर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे. इस
असिस्टेंट चेयरपर्सन एंड रिसोर्स पर्सन दोनों ही अलग हैं। ये कोई कॉलेज के प्रोफेसर जो भी हैं उनका आप नाम मेंशन करेंगे और रिसोर्स पर्सन में आप अपने टीचर का नाम मेंशन करेंगे, राइट। उसके बाद रिकॉर्डर, आपका कोई भी जो भी आपका वीडियो जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस है वो रिकॉर्ड करेगा, तो जो भी आपका रिकॉर्ड करेगा उसका नाम आप मेंशन करेंगे। आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है इग्नू में, जो भी है उसका आप मेंशन करेंगे। लाइक आपका फ्रेंड ने किया तो मेंशन नेम ऑफ योर फ्रेंड। राइट, रिकॉर्डर जो भी आपका होगा उसका आप यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका आएगा ग्रुप मेंबर्स। अब आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपका ग्रुप्स होते हैं, अगर आपने किसी एनजीओ में ट्रेनिंग ग्रुप्स में ली है तो वहां पे आपके ग्रुप्स होंगे ऑब्वियसली 4 या 5। तो आप यहाँ पे अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के नाम मेंशन करेंगे, जो जो भी एक्स वाई जेड जितने भी आपके ग्रुप्स में है वो मेंशन करेंगे। बट डू रिमेम्बर वन थिंग कि आपको 5 ग्रुप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो 5 ग्रुप कॉन्फ्रेंस में आपके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग होंगे, राइट। मान लीजिए आपने 5 मेंबर्स के साथ एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, तो नेक्स्ट ग्रुप जो कॉन्फ्रेंस होगी वो उनके साथ नहीं होगी, आप दूसरे मेंबर्स के साथ वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका ग्रुप मेंबर्स का नाम आएगा। ये अगर आपकी फर्स्ट ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है तो इसमें आप मेंशन करेंगे। अब आप सेकंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें जो आपके ग्रुप मेंबर्स के नाम होंगे वो अलग ग्रुप मेंबर्स के नाम होंगे, राइट। उसके बाद आपका आता है अबाउट द एजेंसी। अबाउट द एजेंसी में आपका आएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उसमें क्या क्या आपने, जैसे आपने, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था कि आपको ओल्ड एज होम्स भी विजिट करने होते हैं, वहां पे उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं उनके बारे में देखना होता है, ठीक है। आपने क्या वहां पे काम किया उनके बारे में आप बताएंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप था, क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है, ये सारा चीजें, कहां से उसके फंड्स आते हैं और भी जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करी, ये सारा आपका अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, राइट। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं जो जो भी आपने वहां पे किया, ठीक है। जैसे विजिट किया आपने स्लम सेंटर्स में, आपने एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराई, आपने कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहां पे लोगों के लिए लगाए, तो वो सब आपका जो है आ जाएगा अबाउट द एजेंसीज में, राइट। अब आपका नेक्स्ट है मिशन एंड विजन। मिशन, इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। मिशन क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का, जिसमें भी आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उसका कोई गोल होगा कि आगे उनको क्या अचीव करना है, क्या उनका एक पर्पस है, राइट। तो वो आपका मिशन में आएगा, राइट। जो भी आपने होगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या उनका मिशन है। आप पूछ भी सकते हैं वहां के हेड से जो भी है, और वो यहाँ पे आप अपना मेंशन करेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन, राइट। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आएगी, रोल ऑफ अ सोशल वर्कर, राइट। आप एक सोशल वर्कर हैं और एज अ सोशल वर्कर आप किसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए गए हैं, राइट। तो क्या आपका रोल था वहां पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क किया, क्या सिचुएशंस आई, कैसे आपने डील किया, और क्या क्या आपको इश्यूज फेस करे, चैलेंजेस आपने फेस करे, कैसे आपने अपना टाइम यूटिलाइजेशन किया वहां पर, राइट। जो जो भी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करी एज अ सोशल वर्कर, आपका क्या वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये सारा जो भी आपका रोल है वो आपका रोल ऑफ अ सोशल वर्कर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख देती हूँ, लाइक एक्टिविटीज,
performed time utilization, and contribution, etc. तो आप अपने मर्जी से या जो भी आपका एज अ सोशल वर्कर वहां पे पार्ट या रोल रहा वो आप रोल ऑफ अ सोशल वर्कर में मेंशन करेंगे, राइट. नेक्स्ट आपका आएगा डिस्कशन एंड सजेशंस, द वेरी मेन पार्ट ऑफ द ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, राइट. डिस्कशन एंड सजेशंस में अब देखिए, आप डिस्कशन एंड सजेशन में आप जब स्टेज पे जाएंगे, आपने एक्सप्लेनेशन दी कि आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ट्रेनिंग ली वहां पर आपने क्या क्या किया और कैसे आपने परफॉर्म किया. अब डिस्कशन एंड सजेशंस में आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है अब वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगी. जैसे क्या क्या क्वेश्चंस वहां पे हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, कैसे आपने देखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग आती है, क्या लोकल अथॉरिटीज का सपोर्ट मिलता है, एक्टिविटीज परफॉर्म कराने में क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, अगर आप स्लम सेंटर्स में विजिट कर रहे हैं तो वहां के लोगों ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, क्या वो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, आप जो कैंप्स ऑर्गेनाइज करा रहे थे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स का कितना आपने जो ऑर्गेनाइज करे लोगों पे असर हुआ. बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के पास होते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे वहां पे पूछे जाएंगे और इनका आंसर ऑब्वियसली वही दे सकता है जिसने ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करी है, राइट. तो प्लीज आप पहले की वीडियोस हमारी वॉच जरूर कीजिए और देखिए कि कैसे आपको सारा जर्नल मेंटेन करना होता है, राइट. अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्कशन एंड सजेशंस में. जैसे कि व्हाट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड, फंड रेजिंग सोर्स, फंडिंग सोर्स की ऑर्गेनाइजेशन का कहां से फंड आता है, कॉपरेशन कितना आपसे आपके साथ कॉपरेशन किया ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्वॉल्वमेंट, सम सेंटर्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने वोकेशनल सेंटर्स विजिट करे वहां पे लोगों का आपके साथ इन्वॉल्वमेंट कैसा था, राइट. चैलेंजेस या इश्यूज फेस्ड, आपने वहां पे कैसे चैलेंजेस और इश्यूज एक्चुअली में फेस करे या क्या प्रॉब्लम्स आपने वहां पे आई, क्या आपके कैसे आपने उनसे ओवरकम किया बेसिकली, ठीक है, क्या आपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे. तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके वहां पे लोग इससे भी ज्यादा या पूछ सकते हैं. तो बहुत जरूरी है कि इनका आंसर वही दे सकता है जिसने एक्चुअली में ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके. अब बहुत बार ऐसा होता है कि 40% जो इग्नू सेंटर्स है वहां पे ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट ऑर्गेनाइज नहीं होती है, और अगर कहीं पर होती है तो बच्चों के साथ कुछ ट्रेजेडी हो या इश्यूज हो वो ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट को अटेंड नहीं कर पाते, राइट. तो ये सब तो चलता रहेगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, नहीं ऑर्गेनाइजेशन को और ना ही स्टूडेंट्स को, ये अपने आप ओवरकम हो जाएगा प्रॉब्लम. बट आपको ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट करनी है, प्रोग्राम आपने इनरोल किया है तो ये पार्ट है, ये आपको करना ही रहेगा कंप्लीट करने के लिए अपनी डिग्री, राइट, बीएसडब्ल्यू हो या एमएसडब्ल्यू हो. तो आपको क्या करना है,
आप कोई भी एनजीओ, 5 NGOs या CSR, इनके बारे में आप नेट पे सर्च करेंगे, राइट? और आप वहां से देखेंगे, लिखेंगे, या जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्च करी, तो उसके बारे में आप देखेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, विजन है, क्या उसका गोल है, क्या उसका एम है, कहां से फंडिंग आती है, क्या आगे एक्सपेंडेशन के फ्यूचर गोल्स हैं। तो ये आप कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नेट से सर्च करेंगे किसी भी 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आप मेंशन करेंगे, बिकॉज आपको अपनी जर्नल मेंटेन करनी है और कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है? अगर आप इग्नू नहीं करा रहे हैं या आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे नेट की हेल्प से इनको पूरा कर सकते हैं, राइट? तो ये था एनजीओ और सीएसआर के बारे में। आपको ये सारा काम खुद से भी करना पड़ सकता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवा रहा है या फिर आप किसी वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अब डरने की इसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? बिकॉज आपका जो ये रिपोर्ट होती है, ये फर्स्ट ईयर का लास्ट कंटेंट होता है, ठीक है? और इसके बाद आपका आता है सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द बीएसडब्ल्यू एंड एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, दैट मीन्स द नेक्स्ट ईयर जनवरी 2021, we will be starting our online classes for BSW and MSW students. So, if you haven't liked the video, please like this video. Comment your queries. If you have any queries, we will possibly and hopefully answer your all the queries in our next video. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe it and share it with your friends. Till then, take care.